सभी के लिए एक कुर्सी आप आगे लगा दें। अनुरोध सबसे, तीन लक्ष्मी नारायण जी रंगा बीकानेर, डॉक्टर सुलोचना रांगे राघव जयपुर और पुष्पा शरद देवड़ा जयपुर, तीनों उपस्थित नहीं है अपनी अवस्था के कारण, वो आप पाने में असमर्थ थे। अकादमी फिर किसी अवसर पर उनके घर जाकर के उन्हें यह अलंकरण प्रदान करेगी। सबसे पहले ग्यारसीलाल सेन झालावाड़, कमल जी उनका परिचय पढ़ेंगे। स्वागत करिए तालियां बजाकर। ग्यारसीलाल जी सेन का जन्म 4 फरवरी 1937 को झालावाड़ नगर में हुआ। आपने अपना लेखन वर्ष 1985 से प्रारंभ किया। सतत लेखन से अब तक 125 निबंध एवं ललित निबंध, समीक्षाएं, कविताएं आदि संभाग और राज्य स्तर ये पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वर्ष 1947 पगड़ी माल्या माला पहना करके उनका अभिनंदन पद्मश्री सीपी देवल साहब। आपके प्रमुख प्रकाशनों में देवल पिक्चर्स महाराज राणा भवानी सिंह की 1904 सोल, दिव्य प्रभाजी, सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण और चेक भेंट करेंगे अकादमी सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी। आप पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर रहे तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोटा सिटी से कार्यालय अधीक्षक पद से 1995 में सेवानिवृत्त हुए। राज्य सेवा में रहते हुए 30 प्रशंसा पत्र एवं कैश रिवॉर्ड से आप पुरस्कृत हुए। आपके प्रमुख प्रकाशनों में टेबल पिक्चर्स महाराज राणा भवानी सिंह की 1904 में 30 यूरोपीय देशों की यात्रा का हिंदी अनुवाद, अभिव्यक्ति का आत्मदान निबंध समीक्षा संग्रह, काव्य संग्रह कोमल किसलय का नाम आपके कृतियों में शुमार है, हिस्ट्री कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ झालावाड़ स्टेट का हिंदी अनुवाद प्रकाशाधीन है। अमृत सम्मान 75 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त को प्रदान किया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी का कोई भी पुरस्कार उन्हें ना मिला हो और कला साहित्य शिक्षा समाज आदि विविध क्षेत्रों में जिनका उल्लेखनीय योगदान हो ऐसे साहित्यकार को अमृत सम्मान प्रदान किया जाता है। पूरे सदन की ओर से मैं आपके दीर्घायु होने के की कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से सतत अपना कार्य संपादित करते रहें। सरल विशारद जी बीकानेर।